मैं निकिता वागदे स्टार एपिक्स न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखते हैं आज का स्टार कवर। गर्मियों की छुट्टियों में समय का सदुपयोग करने के लिए, बच्चों का व्यक्तिमत्व बढ़ाने के लिए माता पिता उन्हें कई हॉबी क्लास लगा कर देते हैं, लेकिन समाज में कई ऐसे बच्चे हैं जो पैसे न होने के कारण इस शिक्षा से वंचित रहते हैं। ऐश्वर्या आर्ट एंड गैलरी की संचालिका जया गुप्ता ने ऐसे ही गरीब बच्चों के लिए कैलीग्राफी, डांस, पेंटिंग, म्यूरल आर्ट की शिक्षा दे रही है। उन्हें इस काम के लिए कई पुरस्कार भी मिले हैं। मैं जया संजय गुप्ता ऐश्वर्य हॉबी क्लासेस की संचालिका हूँ। 8-10 साल से करीब क्लासेस ले रही हूँ, उसमें ड्राइंग, पेंटिंग, कैलीग्राफी, आर्ट एंड क्राफ्ट, जितना भी आर्ट से रिलेटेड होता है सब क्लासेस ले रही हूँ। शादी के 15-16 साल बाद स्टार्ट की मैंने ये, और आज कम से कम 10,000 बच्चों को सिखा चुकी हूँ। इसमें भी मेन मेरा उद्देश्य है गरीब बच्चों को सिखाना, जिनकी माँ लोग बर्तन मांजती है और बच्चे पैसे के अभाव में वो सीख नहीं पाते, तो उनको भी मैं सिखाती हूँ। उनको एलिमेंट्री इंटरमीडिएट की पूरी फॉर्म भराना सिखाना, उनकी फ़ीस भरना सब करके करती हूँ, ताकि वो बच्चे आगे चल के भविष्य में कुछ क्लास ले सके, अपना गुजर बसर करने के लिए, उनके कम से कम अपने पैरों में खड़े होने के लिए उनके पास कुछ हुनर पा सके वो। और कई संस्थाओं में जाके गरीब बच्चों को मैं सिखाई हूँ, और कई लेडीज़ें ऐसी आती हैं जिनके पास कुछ काम नहीं रहता, तो उनको मैंने सिखाई, वो खुद अपनी क्लासेस खोल के आज अपना घर चला रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं ऐसी लेडीज़ें। सबसे मेन मेरा उद्देश्य यही है कि जिनके पास पैसा नहीं है और उनको कला की कदर होकर वो बेचारे बिना सीखे रह जाते, तो उनको आगे बढ़ाऊँ, यही मेरा मेन उद्देश्य है। क्लास खोलने की संकल्पना आपके मन में कैसे उतरी? क्लास खोलने की मेरा, मैं तो बहुत छोटे से गांव में थी, वहाँ हम लोग को आर्ट्स में शुरू से ही रुचि थी, लेकिन आर्ट के लिए कोई डेवलपमेंट था ही नहीं। तब से सोच कर रखी थी कि जब भी मैं मेरा अपने पैरों में खड़ूंगी तो क्लास खोलूंगी और कई लोगों को मतलब प्रोत्साहित करूँगी। इसलिए बच्चे बड़े हुए, हम लोग के खर्चे बढ़ने लगे, तो सोचे ड्राइंग क्लास पढ़ी लिखी तो बहुत ज़्यादा होनी, बीकॉम पढ़ी हूँ, लेकिन गांव की पढ़ाई होने की वजह से इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी। फिर बच्चे बड़े हुए तो उनके खर्चे भी बढ़ते गए, तो उसकी वजह से ड्राइंग क्लास पहले मोहल्ले में चालू की, फिर दूसरी जगह जाके सिखाई। आज समझो 10,000 बच्चे हैं मेरे पास। बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, बच्चे छोटे रहने, घर के काम, बाहर के काम, मेहमान, और ऐसे सामाजिक सभी चीज़ में रहता है। उसके साथ साथ बच्चे के क्लास में रखना, कुछ बच्चे टेढ़े आते हैं, कुछ अच्छे आते हैं, तो उनको प्रेम से हैंडल करना, कठिनाई करते 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 आज अच्छे शिखर में पहुंच गई हूँ। साथ में परिवार वालों का भी सहयोग पूरा मिला मुझे, इसलिए और ज़्यादा सफल हुई। कैसा लगता है इन सम्मानों से आपको? बहुत अच्छा लगता है जब अवार्ड वगैरह मुझे मिलते हैं, और बच्चे सबसे मेन तो बच्चे मुझे प्रेम से आंटी करके बोलते हैं, मोहल्ले से जहाँ से भी गुजरती हूँ तो आंटी बाय, आंटी नमस्ते, आंटी हेलो, टीचर डे में मुझे कार्ड बना के ला के देते हैं, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी सम्मान की बात है। इस माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि भले ही हम छोटे हैं, छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन छोटे लेवल से स्टार्ट करते करते अपना प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिए। इंसान ने मजबूरी, परेशानियाँ, ये तो आती ही रहती है जीवन में, इनको सबको पार करके अगर तुम आगे बढ़ गए तो एक न एक दिन तुम कामयाब जरूर होंगे। ये मेरा संदेश है कि छोड़ो मत, धीरे 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 डेवलप करो, जरूर कामयाब, और दिल से बिल्कुल तुमने सोच लिया तो होता ही है। और सबसे मेन, अपने काम को भगवान की पूजा समझ के करो, उसको उसमें इतना ईमानदारी बना करो कि वो एक दिन सफल होगा। उसमें तुमने अलाली बना की क्या सो रहे हैं, आज फोटो देख रहे हैं, आज घूम रहे फिर रहे, तो नहीं होगा वो, समय से करो सब काम। ऐसे ही और खबरें जानने के लिए देखते रहिए स्टार एपिक्स न्यूज़ स्टार कवर।